हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे हमें देखिवा इंडियन हिस्ट्री रो एंशिएंट इंडिया रो 100टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ कि प्रीवियस ईयर पेपर रे ऑलरेडी रिपीट हो सारी जहाँ कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपंकर सीपीएससी एग्जाम, हाईकोर्ट एएसओ एग्जाम, ओएसएससी, ओ ट्रिपल एसएससी और बाकी सब एग्जाम जहाँ कि बहुत ही इंपोर्टेंट। तो आपण मैंने वीडियो को कम्प्लीटली देखु, आपण मैं बहुत फायदा मिल। ए जो एमसीक्यू सीरीज मुझे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चैनल रे जहाँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब एमसीक्यू रे इंपोर्टेंट एमसीक्यू रो डेली वीडियो अपलोड करा जीवो। तो आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो चलो देखिबा आज देखिबा एंशिएंट इंडिया रा 100टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ परे भी एंशिएंट इंडिया रा और बहुत क्वेश्चन अपलोड करा जीवो। तो आपण माने चैनल को सब्सक्राइब कर थांतु, वीडियो पाइ जीवे। तो चलो स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन। तो जो इंडस वैली लोक मैं थे से इकोनॉमी कौन थी, अर्थनीति कौन थी ना, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट्स ये सब थी। तो यार आंसर हम डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, द हरप्पन सिविलाइजेशन डिसलिंक्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। जो हरप्पा सभ्यता थी से कौन पाई एंड है ना, तार बहुत गुड़ा कारण अच्छी। तो विषय कौन से डेफिनेटली प्रमाण ना, तो यार आंसर हूँ डी, नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हरप्पन साइट्स। हरप्पन साइट रे मिलता गोटे कॉमन एनिमल हूँ यूनिहॉर्न बुल। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट्स ए डैश कनसेप्ट। यार आंसर हूँ ए, लिंगुस्टिक कनसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यन्स ओरिजिनली केम फ्रॉम। तो आर्यन्स मैंने कौटू आसपार विश्वास करा जाए ना, सेंट्रल एशिया आसते। तो यार आंसर हूँ बी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदस वाज कंप्लीट फास्ट। तो कौ वेद प्रथम रचना करा जाइतिला, तो यार आंसर हूँ ए, ऋग्वेद। द क्वेश्चन नंबर 7, द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन। वैदिक पीरियड रो इकोनॉमी तो कौधे केमती कौन थी से इकोनॉमी, तो यार आंसर हूँ सी, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग, कृषि और गोपालन से इकोनॉमी थी वैदिक पीरियड रोक मान। तो क्वेश्चन नंबर 8, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज। तो वैदिक पीरियड रो वैदिक पीरियड गवर्नमेंट रखर नॉर्मल फॉर्म जो थी गवर्नमेंट कौ भाला गवर्नमेंट थी ना, मोनार्ची, मोनार्ची मान राजतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 9, टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर। द वैदिक पीरियड रो दुटा इंपोर्टेंट असेंबलीज थिला सभा आउ समिति। तार आंसर हो जे सी। क्वेश्चन नंबर 10, द इंडो ग्रीक किंगडम सेट अप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड सेंचुरी। इंडो ग्रीक किंगडम जहाँ कि नॉर्थ अफगानिस्तान रे सेटअप होता सेकेंड सेंचुरी बीसी रे, तो जो किंगडम रो नाम कौन थी ना, बैक्टीरिया। तो यार आंसर हम सी। द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मॉडर्न आर्ट आर रिप्रेजेंट बाय देयर। तो मौर्य मानकर जो कला थी आर्ट थी से कौधे से रिप्रेजेंट करते ना, पिलर्स। आंसर हूँ यार बी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंपोर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर द मौर्यन पीरियड। तो मौर्य पीरियड लोक मानकर मटेरियल इंपोर्टेंट सोर्स भितर कोटा नो ना, न्यूमिस्मेटिक एविडेंस। यार आंसर हो जी सी। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू स्ट्राबो द तमिल किंगडम टू द फर्स्ट सेंड एमिसरीज टू मीट ऑगस्टिन इन एथेंस इन 20 बीसी वाज। यार आंसर हूँ पांड्य। तो ऑप्शन हूँ सी। क्वेश्चन नंबर 14, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेसिटी। तो नंद डायनेसिटी रो फाउंडर थिले किए ना, महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड वेद वाज बीन हाज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद व्हिच मीन्स। तो विद माने हूँ नॉलेज, तो यार ऑप्शन हूँ डी। क्वेश्चन नंबर 16, द कुषाण रूल वाज ब्रॉट टू एंड। जो कुषाण शासन चलता सीटा एंड है क्या द्वारा ना, हिंदू साही डायनेसिटी द्वारा। तो यार ऑप्शन हूँ डी। क्वेश्चन नंबर 17,
अशोक हाज बिन पर्टिकुलरली से जो बुद्धिस्ट सन्यासी थे ना हूँ उपगुप्त। तो यार आंसर हूँ डी सॉरी बी सदर नंबर बी। तो 18 नंबर क्वेश्चन ड्यूरिंग कनिष्कस रीजन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध। कनिष्क समय पॉलिटिकल एक्टिविटी मगधर कौटिक शिफ्ट होता ना पुरुषपुरा पेशावर। तो क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज। तो यार आंसर हूँ सी गुप्ताज। क्वेश्चन नंबर 20 हु हाड गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। कोणार्क टेम्पल किए तैयारी करते ना नरसिंहदेव। तो आंसर हूँ सी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज ग्रीन सिस्ट एज मीडियम। तार आंसर हूँ सी बारूद स्कल्पचर्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। तो गुप्त मेडिसिन रे के काम करते तार आंसर हूँ डी सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 23 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया सोसाइटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर्स। तो एंशिएंट इंडिया सोसाइटी एधर जो चार्टा ऑप्शन अच्छे आधु को गोटे ऑप्शन अन्य तीन टा ऑप्शन रो आसोनी। तो आंसर हूँ सी कोश। क्वेश्चन नंबर 24 हु रोट मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम किए लिखी ना यार आंसर हूँ शूद्रक। तो ऑप्शन होला सी। क्वेश्चन नंबर 25 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हरप्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड। पार्टीशन पर भारत मानने हरप्पार टाउन बा सेटलमेंट अधिक को एरिया रे मिलितला ना सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 26 द इंदुस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बी बिलोंग टू। इंदुस वैली सिविलाइजेशन को एरिया रे थिला को एज रे थिला तो ब्रोंज एज कहा जाउथला। तो क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदर डील्स विथ मैजिक स्पेल्स एंड विथ क्राफ्ट। तो यार आंसर हूँ डी अथर्व वेद। क्वेश्चन नंबर 28 द लैटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द लैटर वैदिक एज संहित ब्रह्मानस आर्यंस। तो ये सबू तो यार आंसर हूँ डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 द वैदिक रिलीजन एलोंग विद इट्स लैटर वैदिक डेवलपमेंट्स इज एक्चुअली नोन एज। तो यार आंसर हूँ बी ब्रह्मानिज्म। क्वेश्चन नंबर 30 द वैदिक आर्यंस फास्ट सिंधु। तो यार आंसर हूँ सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र को वेदर थिला ना ऋग्वेद। तो यार आंसर हूँ ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 32 द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू। तो गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र क्या पूजा कराए ना सविता डी आंसर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 33 टू हाइएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन। तो वैदिक रिलीजन ने दु जन जो हाइएस्ट गॉड थे से इंद्र एंड वरुण। तो यार आंसर हूँ सी। क्वेश्चन नंबर 34 डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू फोर क्लासेस इज क्लियरली मेंशनड इन द। तो वैदिक सोसाइटर जो चतुर्वर्ण था सेटा कोथरे मेंशन होई ना यार आंसर हूँ बी पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 35 द वैदिक गॉड वाज ए ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो ए वार गॉड। को गॉड को ब्रेकर ऑफ फोर्ट अबा वार गॉड कहा जाउथला। तो यार आंसर हूँ ए इंद्र। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 द हरप्पन और इंदस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिस्ट ड्यूरिंग। तो इटा को समय होता ना चालकोलिथिक एज। तो यार आंसर हम डी। क्वेश्चन नंबर 37 द फास्ट मेटल टू बी एक्सटेनसीवली यूज बाय द पीपल इन इंडिया। भारत में कौ मेटाल फास्ट यूज होता एक्सटेनसीवली यार आंसर हूँ कपर। तो कपर को बहुत भाव व्यवहार कर ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ हरप्पा सिविलाइजेशन। तो हरप्पा सिविलाइजेशन कहार एसोसिएशन ना संपर्क ना। तो यार आंसर हूँ डी चाइनीज। तापर क्वेश्चन नंबर 39
of the following scholars who was the first to discover the traces of the Harappa civilization? Harappa civilization को कि फास्ट डिस्कवर करते यार आंसर हूँ डी दयाराम साहाणी। क्वेश्चन नंबर 40 द हरप्पा सिविलाइजेशन अचीव्ड फॉर ग्रेट एडवांसमेंट देन समवेयर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स यार आंसर हूँ ए टाउन प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 41 द टाउन प्लानिंग इन द हरप्पा सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय रिगार्ड फॉर न सानिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने जो टाउन प्लानिंग करते बहुत किसी देखिकी करते जहाद्वारा कि सेमानकर सानिटेशन एवं पब्लिक हेल्थ से गुड़ा सब सेफ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 42 द इंदुस और हरप्पा सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन बाय इट्स तो यार आंसर हूँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। तो यार आंसर हूँ बी हरप्पा सभ्यतार जो ड्रेनेज सिस्टम से करा बहुत उन्नत धरण थिला। क्वेश्चन नंबर 43 मैच द लोकेशन देखो ये जो मैच द मैचिंग क्वेश्चन यह यूपीएससी सिविल सर्विस बहुत ही इम्पोर्टाट। तो देखो गोटेपट लिखी सैट इम्पोर्टाट सैट आ गोटेपटे स्टेट तो कौ सैट सहित कौ स्टेट संपर्क अच्छे से आम दर्शेगा। तो रूपर रूपर कौ राज्य डिस्कवर कराइला ना यार आंसर हूँ पंजाब एवं आलमगीरपुर। तो यार आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश। कालीबंगन तो कालीबंगन है राजस्थान। तापर धोलबीरा तो धोलबीरा है गुजरात। बनवाली तो बनवाली है हरियाणा। तो यार आंसर हूँ ए। क्वेश्चन नंबर 44 द डेट ऑफ द हरप्पान सिविलाइजेशन हाज बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन रो डेट कौद्रु जना पड़ता ना रेडियो कार्बन डेटिंग। तार आंसर हूँ डी। तापरे क्वेश्चन नंबर 45 मोस्ट ऑफ द लार्ज हरप्पान टाउन्स हैड फॉर फोर्टिफिकेशन व्हिच सर्व्ड द पर्पज ऑफ तार आंसर हूँ से जो टाउन्स करते मैंने सेफ्टी फ्रॉम रबर्स रबर मैंने डाकू मान बचापाई जो से गाई मान को नहीं जाते गाई चोर मैंने से मानू बचापाई बात्या से रक्षा पाइबापी ए सबूत यार आंसर हूँ डी। क्वेश्चन नंबर 46 सेरेल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द हरप्पा सिविलाइजेशन वेयर तो हरप्पा लोक मैंने कौ सब शस्य चाष करते ना व्हीट राइस मिलेट ये सब तो यार आंसर हूँ डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47 The utensils of the Indus Valley people were mainly made up. तो से माने जो हरप्पा इंदस वैली सिविलाइजेशन लोक मैंने जो बासन कौशन व्यवहार करते कौरे या क्ले कादुरे। तो क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन टू इंदस वैली पीपुल इंदस वैली लोक मानक इंदस सभ्यतार लोक मान मेटल विषय नलेज ना तार आंसर हूँ डी आयरन। क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंदस वैली पीपल इंदस सभ्यतार लोक मैंने क्या पूजा करन थिले तार आंसर हूँ त्रिमूर्ति आंसर हूँ डी। क्वेश्चन नंबर 50 आट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पान साइट्स हाज ए सपोज्ड डकवार्ड बीन फाउंड तो कौटी डकवार्ड मिले ना यार आंसर हूँ लोथल बी। क्वेश्चन नंबर 51 व्हिच अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू होल्ड ए रिलीजियस असेंबली आट प्रयाग एवरी 5 years तो कहा समय प्रयाग रे प्रति 5 वर्ष रिलीजियस असेंबली बसुला तार आंसर हूँ बी हर्षवर्धन समय। तो क्वेश्चन नंबर 52 आज ए प्रिंस गौतम बुद्ध नाम कौन थिला यार आंसर हूँ बी सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 53 द जातक आर ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज तो यार आंसर हूँ डी पर्टेनिंग टू सेवरल डिफरेंट अर्लियर बर्थ्स ऑफ द बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 54 आर्किटेक्चुरल डेवलपमेंट्स इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्त तो यार आंसर हूँ ए गुप्तास। क्वेश्चन नंबर 55 द डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट दैट द कलिंग वार हार्ड ऑन अशोक हैज बीन डिस्क्राइब्ड
तो अशोकंकर कलिंग युद्ध पर अशोकंकर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता सेटा कौधर वर्णना अच्छे ना यार आंसर हूँ बी रॉक एडिक्ट रे। तापरे क्वेश्चन नंबर 56 द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य हैड बीन अज्यूम्ड बाय तो विक्रमादित्यर उपाधि क्या को दिया जाता यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तार आंसर हूँ बी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 57 इन ह्विच रीजन वाज द फास्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया भारत में कौ रीजन में प्रथम मेटालिक कॉइन यूज करा जाए थिला तो यार आंसर हूँ द इंडो गांगेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फास्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड एज टूल्स बाय ह्यूमन तो लोक मान जो प्रथम फास्ट एंशिएंट ह्यूमन थे तो कौ मेटल फास्ट डिस्कवर करा टूल भाव व्यवहार करते तार आंसर है डी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 59 द फिलोसफी प्रोफाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन आज तो यार आंसर हूँ वेदांत बी। क्वेश्चन नंबर 60 आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द वैदिक रिलीजन द मोस्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सो कॉल्ड हिंदुजिम वाज द डेवलपमेंट ऑफ तार आंसर हूँ सी भगवती जिम। क्वेश्चन नंबर 61 भगवती जिम रेफर्स टू वर्शिप ऑफ भगवती जिम कहार पूजा करा जाउथिला ना यार आंसर होजे ए वासुदेव कृष्णा। द वैष्णविजिम इज लैटर डेवलपमेंट ऑफ भगवत जिम एडवोकेट्स द वर्शिप ऑफ डैश तो यार आंसर होजे विष्णु एंड हिज इनकार्नेशंस तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 63 द हिंदू सोशल सैक्रमेंट सच एज मैरेज आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल्स तो हिंदू मानकर जो सभ्यता संस्कृति इतने जो रिचुअल सब कराए जमीक बाहाघर से सब जो रिचुअल्स कराए से सब कौधे उल्लेख अच्छे ना गृहसूत्र तेरह ऑप्शन हूँ सी। क्वेश्चन नंबर 64 द फाउंडर ऑफ जैनिज्म तो जैनिज्म रो फाउंडर किए थे ना परासवंत तेरह आंसर हूँ सी। तो क्वेश्चन नंबर 65 वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज बर्न आट तो सी कौटी जन्म होते ना से जन्म होते कुंडल ग्राम रे एवं तांकर डेड होता पाभापुरी रे यार आंसर हूँ सी। क्वेश्चन नंबर 66 द थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म आर जैन धर्मर तीन टा ज्वेल्स थे राइट फेथ आर इंटेंशंस राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 ऑफ द फाइव वोज ऑफ जैनिज्म फोर एग्जिस्टेड बिफोर महावीर द वन व्हिच ही एडेड वाज यार आंसर हूँ डी सेलिबेसी। क्वेश्चन नंबर 68 इन जैनिज्म द एम ऑफ लाइफ टू अटेन निर्वाण और मोक्ष फॉर व्हिच वन हैज टू जैनिज्म रे निर्वाण ग्रहण अटेन करिवा बा मोक्ष पाइवार कौन करिया पड़े ना फॉलो थ्री ज्वेल्स एंड फाइव बोज यार आंसर होला ए। तापर क्वेश्चन नंबर 69 जैनिज्म वाज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस श्वेतंबर एंड दिगंबर और नेकेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कहा समय रे यार आंसर हो मौर्य मानक समय रे। क्वेश्चन नंबर 70 द नेम बुद्ध मीन्स तो बुद्ध माने होचे एनलाइटनमेंट। तापर आ गोटे मैचिंग क्वेश्चन एपटे बार्थ देछि एटा बुद्धंकर लाइफ विषय देछि तो देखंतु बार्थ बुद्धंकर जन्म कोठे हेतला तो बुद्धंकर जन्म हेतला तो देखंतु बुद्धंकर जन्म हेतला लुम्बिनी रे तो ए सहित आई भी तापर से नॉलेज कोठी से पाई ना तार आंसर हूँ बोधगया नॉलेज प्राप्ति होता तापर फास्ट सरमन तो फास्ट सरमन हूँ सारनाथ तापर तांको डेथ कौट होता डेथ होता कुशीनगर तार आंसर हूँ डी। क्वेश्चन नंबर 72 बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इंटू महायन एंड हीनायन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ तो कहा समय रे ना कनिष्क समय रे द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म वाज तेहर आंसर हूँ नागार्जुन सी। जातक आर द स्टोरीज ऑफ तो जातक कौन कहार स्टोरी हूँ बुद्धंकर पूर्व जन्मर प्रीवियस लाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 75 आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वाज फास्ट एक्सेप्टेड इन तो भारत बाहर बुद्धिज्म प्रथम कौटी एक्सेप्ट होता ना यार आंसर हूँ श्रीलंका आंसर हूँ सी। क्वेश्चन नंबर 76
इन द 6th सेंचुरी बीसी नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू तो 6th सेंचुरी रे नॉर्थ इंडिया डिवाइडेड थिला 16 ग्रेट स्टेट्स एंड 18 रिपब्लिकन स्टेट्स तो यार आंसर हबो सी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 77 ऑफ ऑल द स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया इन 6th सेंचुरी बीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल मगध तो यार आंसर हो जे बी मगध क्वेश्चन नंबर 78 व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया मगध वाज बीइंग रूल्ड बाय जते बेले अलेक्जेंडर भारत आक्रमण करुथिले सेते बेले मगध कहा द्वारा शासन करा जाउथिला तो यार आंसर हो जे सी नंद नंद वंश शासन करुथिले क्वेश्चन नंबर 79 चंद्रगुप्त मौर्य विथ द हेल्प ऑफ चाणक्य डिसाइडेड टू ओवरथ्रो नंद तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्यों सहायतार नंद मानक गादीच्युत करने चाहूल हरवाक चाहूल यार कारण थी कि नंद नंद वंशर जो शासक मानते से प्रजा मान वेल्थ को एक्सट्रक्शन करते से हैरान करते यार आंसर हम सी तापर क्वेश्चन नंबर 80 द डिसीजन ऑफ नंद एट द हैंड्स ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन विविडली प्रोटेड इन द संस्कृत प्ले रिटन बाय कालिदास तो कालिदास को संस्कृत प्ले रे सब उल्लेख अच्छे यार आंसर हो सी मालविकाग्नि मित्रम तार आंसर है सी क्वेश्चन नंबर 81 कौटिल्य इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र व्हिच हैज बीन कंपेयर्ड विथ तो कौटिल्य अर्थशास्त्र का सहित कंपेयर करा जाय छे ना माचिवेलिस प्रिंस क्वेश्चन नंबर 82 मेगस्थान इज द अम्बासेडर ऑफ सेल्युकस एट द मौर्यन कोर्ट इन पाटलिपुत्र रोट एन अकाउंट ऑफ द पीरियड इन हिज बुक तो यार आंसर है इंडिका मेगस्थान इज इंडिका लिखी इंडिका नाम गोटे पुस्तक रचना करते क्वेश्चन नंबर 83 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अशोक तो यार आंसर है सी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक क्वेश्चन नंबर 84 आफ्टर द कलिंग वार अशोक डिसाइडेड नेवर टू वेज इन वार बिकज कलिंग युद्ध पर अशोक आउ कौन भी वार करने को इच्छा प्रकाश कले कारण है से जो कलिंग युद्ध भायोलेंस रे भायोलेंस सफरिंग एसबुरे से बहुत निर्माण हो पड़ते तो से आउ युद्ध करने को चाहे तो यार आंसर हो सी तापर क्वेश्चन नंबर 85 इन हिज इनस्क्रिप्शन अशोक कल्ड हिमसेल्फ तो अशोक कौन कहते नाम थी देवानाम प्रियदर्शी किंग या बहुत इंपोर्टेंट तो क्वेश्चन नंबर 86 अशोक क्लेम टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन वर्ल्ड हिस्ट्री लाइफ इन द फैक्ट दैट यार आंसर हो आफ्टर ए सिंगल कॉन्क्वेस्ट ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ कंप्लीटली टू कॉज ऑफ पीस क्वेश्चन नंबर 87 द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट विथ वास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएटेड बाय अशोक वाज तो अशोक समय रे जो ऑफिशियल पोस्ट होता जार अधिका दायित्व थिला तार आंसर होची धर्म महामत्य तार आंसर है सी तो क्वेश्चन नंबर 88 द मौर्यन स्कल्पचर्स हैड अटेंड द हाईएस्ट परफेक्शन इन कार्विंग ऑफ सी एनिमल फिगर क्वेश्चन नंबर 89 द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द अशोकन पिलर इज देयर तो अशोक समय जो पिलर्स से तार सब मेन फीचर सब कौन ना सीटा हूँ पॉलिस पॉलिस थिला से सब आंसर हो सी क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन द एक्चुअल कॉज ऑफ डिसलिन ऑफ द मौर्यन एम्पायर मौर्यन एम्पायर डिसलिन हबार कौटा एक्चुअल कॉज नुहे सब आंसर तार आंसर हो अशोक पैसिफिस्ट पॉलिसी तार आंसर है ए क्वेश्चन नंबर 91 हु अनसर्वड पावर फ्रम द मौर्यज आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर तो यार आंसर है ए पुष्यमित्र सुंग तो क्वेश्चन नंबर 92 द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ इंडिया फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड डायलॉग्स विथ ए बुद्धिस्ट मंग नागसेन तो सी किए थे ना सी थे मेहेन्दर सी थे सब इंडो ग्रीक रो फेमस रूलर जी कि जस्टिस डायलॉग माने जस्टिस सेन्स परिचय थे नाम हूँ बी मेहेन्दर तो क्वेश्चन नंबर 93 द फास्ट ग्रेट एम्पायर टू द साउथ ऑफ विंध्य तो विंध्यर साउथ रे सब फास्ट ग्रेट एम्पायर हूँ सातवाहन क्वेश्चन नंबर 94
द ग्रेटेस्ट क्लेम टू फेम ऑफ द सातवाहन इज एन अकाउंट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ब्रिस्क इन लैंड एंड फॉरेन ट्रेड। तो यार आंसर होची सी। क्वेश्चन नंबर 95 मोहनजोदड़ो कोठी अवस्थित थिला ना लरकणा डिस्ट्रिक्ट रे। क्वेश्चन नंबर 96 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ वेद। द ओल्डेस्ट वेद कोटा ना ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 97 द फैमिली ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस वाज। तो ऋग्वेदिक आर्यंस मानकर फैमिली थिला पत्रियार्चाल। तो यार आंसर होचे बी। क्वेश्चन नंबर 98 गौतम बुद्ध वाज ब्रॉट अप बाय। तो गौतम बुद्ध को किए आनते ना आंसर हो महाप्रजापति गौतमी तर अंट। क्वेश्चन नंबर 91 महावीर केत नंबर तीर्थंकर थिले ना 24 तीर्थंकर। तो क्वेश्चन नंबर 100 द फ्रेज ऑफ लाइट ऑफ एशिया क्या कहा जाए ना बुद्ध को कहा जाए। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज वीडियो आम एंसिएंट इंडिया 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कले। तो आपण मैंने क्वेश्चन भल भाव देखिदेवे तो यह रिविजन करेंगे तो आपर जापर कि आपर बहुत किसी मन रही जाए। तो फ्रेंड्स यापर आहरी बहुत भी MCQ क्लासेस अपलोड करा जीवो पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी एवं ए एंशिएंट इंडिया भी डेली बहुत किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करा जीवो। एंशिएंट इंडिया पर मेडिवल इंडिया तापर मॉडर्न इंडिया ए सब आपर टोटल कंप्लीटली सिलेबस MCQ वाइज अपडेट अपलोड करा जीवो। तो फ्रेंड्स दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करूँ। ओके फ्रेंड्स बाय।